वेलकम, स्वागत सबका मेरे यूट्यूब चैनल में, स्टडी विथ मी में। और अभी के अभी हम चर्चा करने वाले हैं UPPCL, जिसे हम कहते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें वैकेंसी आ रखी है, डिटेल में देखने वाले, फॉर्म कब से शुरू कब ख़त्म, कितने पैसे लगने वाले, कौन कौन बच्चा लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और हाँ, हैप्पी दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ, बड़े अच्छे सब लोगों ने मनाई। अब आगे के जो पर्व बचे हैं अच्छे से मनाइए। और हाँ, आज थोड़ा सा ऐसा हो गया कि स्लाइड्स थोड़ी वैसी बन गई, तो हम आपको नीचे से ऊपर की तरफ ले चलेंगे, ठीक है। तो देखेंगे हम उत्तर प्रदेश PCL UPPCL में वैकेंसी आ रखी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी, असिस्टेंट इंजीनियर के पद के लिए फॉर्म मांगे गए। जैसा कि इंजीनियर हो गए, तो इंजीनियर के लिए क्या चाहिए, BE चाहिए हमें या BTEC होना चाहिए, सीधी सीधी बात, नाम से ही काम का पता चलता है, ठीक है। 6 नवंबर को भर्ती आउट हो चुकी है ये, और आज कितनी है, 7 तारीख है, क्योंकि आज दिवाली है और दिवाली की शाम है, तो आज की आपके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये आपको कल सुबह 8 तारीख को सुबह वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश देखिए, इसमें वैकेंसी आ रखी है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में दे रखा कि UPPCL चीज क्या है। फॉर्म कितने, 1000 रुपये लगने वाले हैं फॉर्म के, जनरल OBC वालों से, SC ST वालों से 100 रुपये, 700 रुपये सॉरी, और हैंडीकैप फिजिकल हैंडीकैप PH वालों से 10 रुपये। और ये हमने फॉर्म फीस, और फॉर्म फीस क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, चालान, डेबिट कार्ड किसी के थ्रू अपनी फीस कटवा सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा जाना है, ऑनलाइन डायरेक्ट वेबसाइट डालिएगा, UPPCL.com डालेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, वहां लिंक क्लिक करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन शुरू कब से है, 6 तारीख से शुरू हो चुकी है, 6/11/11 का मतलब होता है नवंबर, 6 नवंबर से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 30 नवंबर इसकी अंतिम डेट है, ठीक है। तो और एग्जाम डेट देख लो, December 2nd week में रहेगी, December 2nd week में आपका एग्जाम रहेगा, और एडमिट कार्ड December 1st week से ही आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आपको क्या बताएं, वैकेंसी डिटेल्स और बताते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा है, ठीक है। तो पोस्ट नेम आपकी क्या है, असिस्टेंट इंजीनियर, टोटल पोस्ट है 299, एज आपकी होनी चाहिए 21 से 40 के बीच में ध्यान रखिएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी मैंने पहले ही बता दिया था, BE BTEC डिग्री इन रिलेटेड पोस्ट, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल में जाना चाहते हो तो आपको BTEC इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हो BTEC कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन जा रहे हो तो BTEC आपका टेलीकम्युनिकेशन होना चाहिए, और सिविल में जा रहे हो तो सिविल इंजीनियरिंग से आपका BTEC होना चाहिए, सीधी सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। जनरल के लिए टोटल ICIC वैकेंसी है, टोटल जनरल के लिए 142, ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए 40, 61 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सिविल के लिए 18, ठीक है। तो इन सारे का सबका योग करो तो कहाँ पहुँचोगे, 299 पे, बात समझ गए, सीधी सीधी बात कर ली। अब हम थोड़ा सा और आपको बता देते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर। तो बच्चों, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है कि दो फेज हैं इसके, एक फेज में क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, जिसे कहते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम किस पर बेस्ड होगा, आपका जो ऑनलाइन एग्जाम है, जो आपका जिसे मान लीजिए आपने सिविल से कर रखा है, तो भाई आपको सिविल से ही सारे क्वेश्चंस इसमें ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई अलग से कोई नई चीज़ नहीं पूछी जा रही, ठीक है। तो अगर आपकी जो ट्रेड है, जिस ट्रेड से आपने जो ट्रेड सेलेक्ट की, सिविल सेलेक्ट की आपने, सिविल इंजीनियरिंग के अलावा और भी कई इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट की, टेलीकम्युनिकेशन सेलेक्ट की, तो उसी से रिलेटेड आपका एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। फिर इसके बाद एक इंटरव्यू होगा, ये सेकेंड फेज है इंटरव्यू, और अगर इंटरव्यू में आप फिर पास हो जाते हो, सेलेक्ट कर लेते हो, तो इन दोनों के बाद में आपको दोनों को मिला के एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, बस आपका UPPCL में जॉब पक्की। और इसमें एक बेहतरीन जॉब साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको सारी तरह की सुविधाएं, जैसे गवर्नमेंट सुविधाएं देती है, वैसे ही गवर्नमेंट जॉब्स में जैसी सुविधाएं होती हैं, वैसे ही आपकी इसमें भी आपको सुविधाएं पूरी की पूरी मिलने वाली हैं। आपको एक अच्छा सा पेमेंट रहेगा, और क्योंकि ये इंजीनियर की पोस्ट है, आपकी पेमेंट करीब करीब 45,000 से ऊपर से ही शुरुआत होने वाली है, 45,000 रुपये पर मंथ की सैलरी से ऊपर से शुरुआत, क्योंकि कोई भी नौकरी अगर ग्रेजुएशन के बाद मिलती तो उसकी पेमेंट लगभग 45,000 से ऊपर ही जाती है। आप कोई भी नौकरी देख लीजिए, SC CGL की नौकरी देख लीजिए, या कोई और पोस्ट की देख लीजिए जिन्होंने ग्रेजुएट मांग रखा है, तो इसमें तो BTEC वाले मांग रखे, तो 45,000 वो आपकी सैलरी रहने वाली, और आपको HRA वगैरह जो इसके होते हैं सुविधाएं, डेंटल अलाउंस, DA वगैरह, और आपके मेडिकल क्लेम्स वगैरह, इन सारी चीज़ों की सुविधाएं आपको दी जाएंगी। तो इस वीडियो में हम बच्चों इतने ही रखते हैं, वंस अगेन हैप्पी।